किसी ने मुझे बोला, सर आपके पिक्चर ज्यादा है तो आपके इंटरव्यूज हिट है। अगर आपको जवान का टिकट नहीं मिला, गुस्से में आके हड्डी देखो। राज क्या बाहर आएंगे, मैं खुद ही कर देता हूँ सारे बार। मैं ना सिर्फ फिल्म को दुनिया नहीं मानता। अभी क्या देख रहे हैं आप अनुराग? क्या देख रहा हूँ? तुमको देख रहा हूँ। हर वो चीज जो हम बोल नहीं सकते, मैं सब बनाना चाहता हूँ। ठीक है, आप कह रहे मान लेते। अरे बोलो यार, ये बता रहा। वो इनसिक्योरिटी एज के साथ चली जाती है आपकी। जा शायद वही है। तुमने कब से मुझे नहीं सुना ट्विटर पे बोलते हो? मुझे नेगेटिव किरदार करने में बहुत मजा आएगा। मेरा बायोपिक इसको करना चाहिए। कंगना आवाज आ रही कहीं से? मैं एक इंटरव्यू देता हूँ, 20 दिन तक कॉन्ट्रोवर्सी होती है, इंडिया से बाहर भाग जाता हूँ, वहाँ सेफ फील करता हूँ। बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, आ जाओ लड़ लो। वो दूसरे ईशान है क्या? हाँ वही मुझे लगा। क्या वो ईशान है? उन्हें सुबह से ईशान ईशान बुला रहे हैं। हिंदी बोलो, चीछा लेकर बोलो। कान फिल्म फेस्टिवल बोलता हूँ, लोग कैंस बोलते हैं। अब कैन बोलो तो लोग कान में बोलते, जो चाहे बोले, कुछ नहीं पता चलता। अरे आपका एक्सप्रेशन देखा था मैंने। आप तो एक्सप्रेशन सुन था, हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। तो ईशान साहब, अनुराग जी, अक्षत, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिस टाउन हॉल में। और मेरा नाम मुकुल है, मैं होस्ट हूँ आपका। इंटरेक्शन रहेगा और देखते हैं बातचीत कहाँ जाती है। सबसे पहले तो ये बताइए कि प्रमोशंस कितने बोरिंग होते हैं? बहुत बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। आप भी कुछ बोल दीजिए। मेरा तो पहला है, मतलब मुझे को आधे टाइम क्लू नहीं होता कि करना क्या है, कैसे करना है। एक ही सवाल बार बार पूछा जाता है ना। तो आपको कभी लगता है कि कोई स्पेसिफिक सवाल जो यार ये लोग पूछते ही नहीं है, मीडिया वाले पूछना चाहिए इनको, ऐसा कोई सवाल लगता है आपको? इतने इंटरव्यूज दे चुके हो आप। यार मुझे कल बताया था किसी ने, मुझे बोला सर आपके पिक्चर ज्यादा तो आपके इंटरव्यूज हिट है। मैं क्या लगता है, इंटरव्यू देने से पहले मुझे, जैसे एक्टर्स को फीस दे पैसे देते ना, मुझे लेने चाहिए। मैं चेक दो तो मैं इंटरव्यू लेने देने आता हूँ। कोई सवाल लगता है ईशान आपको? पूछना चाहिए, कुछ पूछना चाहिए कि सर आप कहाँ सोएंगे? प्रमोशंस के टाइम पे तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता है सर। इतने सवाल होते हैं ना कि दिमाग जाता है, थक। आदमी बोलता है भाई जो पूछना है पूछो, हमें छोड़ दो इसके बाद। एक्चुअली मतलब प्रमोशन थका देते हैं भाई, तो इतना ही है। तो हड्डी पर बात कर लेते हैं, मतलब हड्डी फिल्म पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। एक्टिंग कैसे कर ली आपने हड्डी में? मतलब कैसे कन्विंस किया? एक्टिंग आप उतना कंफर्टेबल नहीं दिखते हैं या ना? मन नहीं करता करने का। हाँ फिर कैसे मनाया इन्होंने? इमोशनल ब्लैकमेल, और क्या करेंगे लोग। और कुछ तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने 5 करोड़ का चेक दे दिया कर लो। हाँ असर कर लो। तो अनुराग को कैसे इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है? बहुत सारे लोग करना चाहते हैं आपके साथ फिल्म। नहीं नहीं मैं अलाउ नहीं करता हूँ। जो ये क्या है ना, इनको ऑलरेडी एक्सेस है, और ये क्योंकि मेरे साथ काम कर चुके हैं तो उनको मालूम मुझे कब पकड़ना है। तो राइट टाइम पे इन्होंने पकड़ लिया। हाँ राइट टाइम पे पकड़ लिया, राइट कहानी इन्होंने पी ली। सब कुछ सही था, समीकरण बैठ गया, इन्होंने मुझे ले लिया फिल्म। इमरान से बाहर आ गए। ये सबसे बढ़िया हुआ, मुबारक। इमरान एक्चुअली कैरेक्टर का नाम इमरान था। हाँ इमरान से बाहर आ गए आप? यार पहले एक्चुअली इस कैरेक्टर का नाम भी इमरान था, पर क्योंकि मैं स्कूप कर चुका था तो मैंने बोला कि अभी अभी एक वो निपटाया है और वो भी बड़ा राइचस आदमी है इसकी तरह। मैंने कहा बिल्कुल ही इमरान ना नाम रखो, तो हमने बदल के इरफान कर दिया। क्या रखा? इरफान। हाँ तो थोड़ा सा गेम चेंज हो गया अब। यार उससे तो आ ही गए, मतलब आई थिंक ये मेरा साफ मानना है कि ये ना एक एक्टरों का बनाया हुआ प्रपंच है ये, कि अरे मैं ना उस कैरेक्टर में रह ही गया, मैं निकल नहीं पाया। आप ही बनाते हो? नहीं नहीं एक्टर निकल आता है, ऑडियंस निकल नहीं देती। हाँ ऑडियंस रिपीट करवाते हैं। इमरान जैसे ऑडियंस ने शाहरुख को कभी राहुल से निकलने ही नहीं दिया। वो राहुल ही बना दिया परमानेंट, तो वो ऑडियंस है। अच्छा तो शाहरुख का आप बोल रहे हैं 7 तारीख को जवान आ रही है, 7 तारीख को ये हड्डी भी रिलीज कर रहा है, मतलब बातचीत करके रिलीज करते हैं? नहीं नहीं हम लोग बगल बगल के घर में जा रहे हैं, हम हर घर में जा रहे हैं, वो हर सिनेमा में जा रहा है। बटेगी नहीं ऑडियंस? हाँ बटेगी नहीं ऑडियंस, कहाँ से बटेगी यार, 2-2 घंटे की फिल्में होती हैं, कुछ नहीं बटता। हाँ मतलब अगर आपको जवान का टिकट नहीं मिला, गुस्से में आके हड्डी देखो। ऑडियंस कोई सवाल? निमिषा, शाहरुख की 3 बेस्ट क्वालिटीज बताओ। ये जो शाहरुख का जो प्यार है ना,
ये जो शाहरुख का प्यार है, आपका इंटरव्यूज गूगल करके देख सकता हूँ। आपका नाम क्या है? निपशा। निमिषा। यार मैं ऑनेस्टली बताऊँ आप, बहुत मुश्किल है शाहरुख खान की कोई भी क्वालिटीज ऐसे निकाल के लाना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो ना उनसे मिलना ना एक एक्सपीरियंस है, मतलब वो आपको ना अगर आप मिल लिए एक बार तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उनके फैन ना रहो। एक तो कमाल इंसान, मतलब मिलने के बाद तो प्यार और बढ़ जाए। हाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब आप डाई हार्ड फैन बन जाते हो उनसे मिलने के बाद। आई थिंक यार उतने अच्छे अखलाक मैंने कभी नहीं देखे। इन रियल लाइफ इन पर्सन ही इज 10,000 टाइम्स मोर गुड लुकिंग देन ही इज ऑन स्क्रीन। ओके। एंड जेनरस, मतलब उनको कैरेक्टर किसी भी तरह के मिलते हैं, उनसे ज्यादा अच्छे अखलाक जिसको बोलते हैं ना, मैनर्स एटिकेट्स, उनसे बेटर नहीं है। मतलब मैंने ज्यादा जेनरस इतने एटिकेट्स किसी बहुत है ही नहीं किसी को। हार्ड वर्किंग आदमी है बहुत ज्यादा, मतलब वो आपको शर्म आ जाए कि एक 55-56 साल का आदमी इतनी मेहनत कर सकता है और हमसे नहीं हो रही है उतनी। आई थिंक वो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। और यार मतलब क्या बताऊँ, आई थिंक वो वैसा है कि अगर वो यहाँ पे अभी आते और आप लोगों से बात कर रहे होते तो आप सब लोग घर जाके जितने लोग बैठे हैं सब बोलते हैं यार आज पता है शाहरुख खान ने सिर्फ मुझसे बात की, और किसी से बात ही नहीं कर रहा था, मैं ध्यान दे रहा था, सिर्फ मेरी आंखों में आके डाल के बात करे जा रहा था और सिर्फ मुझसे बात करके गया। तो कमाल आदमी, मतलब वो बहुत मुश्किल है डिफाइन करना यार शाहरुख सर। इंडिया भारतीय वाला वो पहुंच गया अब तक कंट्रोवर्सी? इन्होंने पता, मैं सोच रहा था कि इंडियन सिनेमा होगा भारतीय सिनेमा में, क्या अब इंडियन सिनेमा नहीं बोलेंगे? मुझे तो समझ नहीं आता, मुझे इंडिया को का नाम बदल के भारत, पता है भारत कब नहीं था? ये मैं भारत कब नहीं था, सिर्फ कागज पे इंडिया की जगह भारत लिखना, और भी इमेजिन सरकारी सारे कागजों पे सबके पासपोर्ट वापस रिन्यू होंगे पूरे हिंदुस्तान के, उस पर इंडिया की जगह भारत आएगा, सबके आधार कार्ड राशन कार्ड रिन्यू होंगे, 4 साल का टैक्स तो उसी में चला जाएगा। सब कुछ चेंज करना पड़ेगा भाई हर जगह। क्या करोगे, मतलब इज इट ए ह्यूमनली पॉसिबल टास्क टू डू इट विदाउट स्पेंडिंग वेस्टिंग ऑल दैट अमाउंट ऑफ मनी? एक विम्सिकल आदमी एक विम पे ऐसे कर दे, उसके रिपर उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचता है कभी वो? आपको सारे नोट पे बदलना पड़ेगा, रिजर्व बैंक के सारे कागज पे बदलना पड़ेगा, सबके पासपोर्ट रिन्यू कराने पड़ेंगे, सबके आधार कार्ड रिन्यू कराने पड़ेंगे, सबको नया वैक्सीन सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा, सबको सबकी डिग्री पे चेंज होगा। आई एम सेइंग किस लेवल तक जाओगे और कितना रिप्रिंट करके कब तक दोगे? तब तक क्या सब लोग बैठे रहेंगे, वेट करते रहेंगे लाइन में? लोगों को राशन नहीं मिलेगा, लोग बाहर नहीं ट्रैवल कर पाएंगे, लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्या सोच के करते? मैंने अपने एक दोस्त से बताया कि अनुराग कश्यप आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो उसने बोला कि एक सवाल यार पूछ लेना उनसे कि अगर अनुराग पे कोई बायोग्राफी बने तो किसको चाहेंगे कि रोल करे उनका? तो खुद एक्ट करते हैं भाई, मेरे पर बायोग्राफी बन ही नहीं सकती। आप पे ही अगर बने? नहीं बनाना कभी। बड़ी कंफ्यूज होगी, वो कहानी का कोई बिगनिंग मिडिल एंड नहीं है। हो सकता है राज बाहर आ जाए। राज क्या बाहर आएंगे, मैं खुद ही कर देता हूँ सारे बाहर। अभी क्या देख रहे हैं आप अनुराग? क्या देख रहा हूँ, तुमको देख रहा हूँ। क्या फिल्म देख रहे हैं आप, क्या सिनेमा में देख? मैं फिल्म अभी तो तमिल फिल्म देख रहा हूँ, पोर्तोजील, कैसे प्रोनाउंस करते मालूम नहीं, पोर्तोजील का मतलब है कि उसका क्या मतलब है? आप सोनी लिव पे है तो मैंने आधी देखी है, अभी वो खत्म करूंगा। और कुछ फिल्म्स रिकमेंड करिए? मैंने तो हाल में ये देखी है, और ये फती अकिन का पूरा रिट्रोस्पेक्टिव है मूवी पे, एज ऑफ हेवन, गोल्डन ग्लव, इन द फेड, वो मिस मत करो, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फिल्म मेकर्स फ्रॉम जर्मनी ऑफ टर्किश डिसेंट। दिशा क्या देख रहे हैं? यार मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं अभी कुछ नहीं देख रहा। अच्छा, कोई खास वजह? हाँ, कोई खास वजह? मतलब मेरा देखना ना वैसे ऑलरेडी तो काफ़ी कम हो चुका है, खासतौर पे अगर मैं बोलूं तो इंडियन सिनेमा, उसमें एक बड़ा रीज़न जो है, मतलब ऐसा कोई इसमें एरोगेंस वगैरह कुछ नहीं है, काम करने के उसमें ना, मैं ना सिर्फ फिल्म को दुनिया नहीं मानता ऑनेस्टली, मैं मानता हूँ कि एक बाहर एक असली दुनिया चल रही है, फिल्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरी लाइफ, फिल्म से अलग नहीं हो सकती, मतलब फिल्म या आर्ट से।
पर मैं ना बीच बीच में ब्रेक लेना प्रेफर करता हूँ, और सारे ही दोस्त अपना सारे ही दोस्त हैं ऑलमोस्ट जो काम कर रहे हैं, तो अब ना मेरी ऑब्जेक्टिविटी जो है ना ख़त्म हो चुकी है कोई भी काम देखने की। उसमें ना एकदम ऐसा लगता है यार यार ये दोबारा से वैसे ही कर रहे हैं जो पिछली बार इसने किया था, अरे वो अच्छा हाँ ये तो ये वाला इसका वो है ना फेवरेट शॉट है ये तो यही लेता है हमेशा, ये इस तरह से ना जाने लगा। तो मैं बीच बीच में ब्रेक लेता रहता हूँ, तो अभी मेरा ब्रेक वाला फेज चल रहा है जिस टाइम मैं अपने आप को पूरी तरह कंज्यूम कर देता हूँ किताबों में। तो क्या पढ़ रहे हैं यार अभी? मेरी जो चल रही है एक बड़ी इंटरेस्टिंग वे जॉनथन ईग की अली नाम की बुक है, मोहम्मद अली की बायोग्राफी है। इट्स अ वेरी गुड बुक, मतलब बड़े इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव से लिखा है वो, नॉट एग्जैक्टली मेकिंग ऑफ अ गॉड हिम अ गॉड, मतलब वो जिस तरह से आजकल चलता है ना कि अरे सिर्फ सब अच्छा ही था। पर्सनली आपको कहाँ का सिनेमा ज़्यादा अच्छा लगता है? देखो अच्छा सिनेमा अच्छा लगता है कहीं से भी, कहीं से भी। अभी तो हिंदी में भी मुझे 2-3 फिल्में देखने में बहुत मजा आया, मेन स्ट्रीम राजा रॉकी रानी की प्रेम कहानी और गोमर, पोज भी लिखा आपने। हाँ मैंने बारबी मेरी फेवरेट फिल्म है साल की। हाँ और मैंने बहुत सारी फिल्में देखी बहुत सारी लैंग्वेजेस में, इंशाल्लाह बॉय। सबसे लिबरल सिनेमा कहाँ का है? मतलब यूरोप, यूरोप यूरोप में सबसे लिबरल सिनेमा, आप जो चाहे कह सकते हो बना सकते हो और पर्दे पे डाल सकते हो। अगर सेंसर बोर्ड ना हो बीच में और आपको कोई फिल्म बनानी हो? मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ, सेंसर बोर्ड ना हो तो मैं और बनाऊंगा। तो ऐसी कौन सी फिल्म है जो अनुराग कश्यप बनाना चाहते हैं बट पता है कि सेंसर पास ही नहीं करेगा, मतलब डेफिनेटली नहीं करेगा लेकिन आप बनाना चाहते हो? बहुत हर अच्छा वो चीज जो हम बोल नहीं सकते मैं सब बनाना चाहता हूँ। हर वो चीज जो बोल नहीं सकते मैं सब बनाना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ उस तरह का फ्रीडम मिले जैसे अमेरिका में डेथ ऑफ अ प्रेसिडेंट तब बनी थी अबाउट द प्रेसिडेंट हु वाज अलाइव एट दैट टाइम एंड वाज द प्रेसिडेंट, फिल्म मेकर हैड दैट काइंड ऑफ अ फ्रीडम। आई वांट अ फ्रीडम वेयर आई कैन सिट हियर एंड क्रिटिक लिविंग पर्सन हु कैन क्रिटिक इट बैक एंड समथिंग लाइक दैट। बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ है। हाँ हड्डी एक ट्रांसजेंडर बेस्ड मूवी है बस इस, बट आपने इसका नाम हड्डी क्यों चूज किया बताओ भाई? उसका एक एक्चुअली बहुत बड़ा रीजन है बट वो स्पॉइलर हो जाएगा, सो आई वुड रियली लव। 7 तारीख के बाद आप ये सवाल करोगे तो हम बहुत खुल के इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। तब तो जवाब मिल ही जाएगा ना? नहीं लेकिन उस चीज पे जो डिस्कशन होगा वो जरूरी है, तो करेक्ट। अभी की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या चीज है आपकी? सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी मेरी यार आई थिंक मेरे अंदर ना यही एक पॉजिटिव चीज़ है, मैं किसी भी चीज़ को लेके इनसिक्योर नहीं। मतलब मैं जो जिंदगी में हरकतें कर रहा हूँ आई थिंक उससे ही पता लगता होगा कि सिक्योरिटी एक बहुत ज़्यादा है मेरी साइकोलॉजिकल लेवल पे भी और लाइफ के लेवल पे भी, क्योंकि आई थिंक मैंने कभी अपने चीज़ों को ना उतना बड़ा नहीं होने दिया आसपास की अपनी ज़रूरतों को, कि मैं कभी भी किसी से भी किसी भी लेवल पे इनसिक्योर हूँ अपने क्राफ्ट पे। वो है जैसे आर्ट के तौर पे अगर मैं बोलूँ, कई बार वैसा होता है कि एक्टर के तौर पे कि अरे ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। मैं ना इसको लोग ना हर चीज़ को ना बड़ा साइंस के तौर पे देखने लगे हैं, आई थिंक हम ना उसको उसके अंदर से आर्ट भूल गए सब कुछ ना कि ये है या वो है, फिर ब्लैक वाइट होने लगता है वहाँ से बाइनरी होना शुरू होता है सब कुछ। मैं लाइफ को बाइनरी के तौर पर देखता ही नहीं, तो मुझे ना कभी ऐसा नहीं लगता कि जैसे अभी आप फिल्म की बात कर रहे थे कि भाई पठान भी आ रही है हड्डी भी आ रही है वो फुटबॉल सॉरी हाँ जवान भी आ रही और हड्डी भी आ रही, फुटबॉल मैच थोड़ी है कि कोई एक जीतेगा, दो फिल्में हैं। मैं कह रहा हूँ दिन में 4 आ जाए मैं 4 देख सकता हूँ जब मैं अपने स्प्री पे होता हूँ। आप कभी बिंज वॉच करते ही हैं, आप अपने लगातार 6 घंटे देते हैं, अगर फिल्म अच्छी होगी लोग देखेंगे। सेम गोज फॉर वर्क, मतलब वो जो एक वाला होता ना कई बार काम को लेके जैसे होता है कि यार ज़्यादा काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा, आई थिंक वो एक वाला पॉइंट है कि साल में यार बहुत फिल्में बन रही हैं। मैं कह रहा हूँ भाई मुझे ना मेरे हिस्से की 2-3 अच्छे किरदार के साथ मुझे मेरी वो 2-3 फिल्में कहीं ना कहीं मिली जाएंगी और वो दे दो बस, आई एम सेटिस्फाइड। मुझे नहीं हर जगह रहना, मुझे नहीं छा जाना जो कोट एंड कोट होता है, तो वो पीआर वाले भी पीछे पड़े रहते हैं बीच बीच में ना, हर रिलीज़ के टाइम पे एक फ़ोन आता है कि सर आप हमें पीआर रख लीजिए, सर महीने का सिर्फ इतना पैसा देना है पर हम आपको पेपराजी भी करवा देंगे, हम आपको ये भी करा देंगे। तो आई थिंक मैं थोड़ा उससे बचा हुआ हूँ, बड़ी मेहनत लगती है ऑनेस्टली लेकिन हाँ बचा हुआ हूँ। तो मेरी किसी भी चीज़ को लेके नहीं है यार अभी तो, नहीं है किसी चीज़ को लेकर अभी तो याद नहीं आ रही। आपने कहीं नोटिस किया हो तो मुझे बोलो तो मैं ट्राई करूँगा कि है या नहीं है।
ठीक है आप कह रहे मान लेते। अरे बोलो यार ये कह रहे मान लेते कहाँ लगा बताओ। नहीं लगा कहीं नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, सबकी होती है अपनी अपनी, मेरी है बहुत सारी इनसिक्योरिटीज यार, मुझे नहीं याद आ रही है अभी ऑनेस्टली, मतलब मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ परफेक्ट आदमी हूँ। हाँ मेरा कभी वो इनसिक्योरिटी एज के साथ चली जाती है। आपकी जा चुकी है वही है। मैम मैं तो पहले तो बिल्कुल ही इनसिक्योर नहीं था किसी भी चीज़ को लेकर, अभी सिर्फ अपने बच्चे को लेके या बता ना पीपल यू केयर अबाउट दे माई ओनली वल्नरेबिलिटीज, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो मुझे किसी चीज़ से कभी डर नहीं लगा घंटा। आप स्टेप पीछे लिया ना मैंने, तुमने कब से मुझे नहीं सुना ट्विटर पे बोलते हुए, तो भाई लेना पड़ता है क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस आप तक सीमित नहीं रहते, आपके साथ जो काम कर रहा है उसके साथ भी होने लगता है, वो आपको उस तरह से तंग करते हैं क्योंकि आपको और किसी हर चीज़ वो ट्राई करके थक चुके होते हैं ना, सब कुछ तो हो गया ये फिर भी चुप नहीं हो रहा, तो देन दे गो आफ्टर पीपल हु देन। ये खांचों में कब बढ़ गई चीज़ें, मतलब ये अगर आप समझा पाए चीज़ को। अरे सवाल का जवाब तुमको नहीं पता, तो 14 भी नहीं हो 16-17 के आसपास, मतलब वो सिनेमा तक 16-17 में आ गया। नहीं नहीं 16-17 का बस बहुत कुछ बदल गया, सब कुछ दोस्तों में लड़ाई होने लग गई, हम सब अलग अलग डिफरेंसेस के साथ बैठ के बात करते थे, हमारे सामने वाला दोस्त मेरे ऐसे दोस्त रहे हैं जो इतने ज़्यादा शुद्ध शाकाहारी वेजिटेरियन रहे हैं, जो मतलब अपनी प्लेट साथ में लेके आते थे घर पे खाना खाने, लेकिन बैठते तो एक ही टेबल पर डिस्कशन करते थे, वो हर चीज़ जो है उसके पीछे देखता था उसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है। कोलेजन है बस, कोलेजन हड्डी से आता है, ये नहीं खाऊंगा मैं, ठीक ऐसे ऐसे दोस्त। लेकिन उसके बावजूद हम दोस्त थे, हमारे डिफरेंसेस थे, हम बात करते थे। आई एम एन एथिस्ट लेकिन मैं मंदिर जाता हूँ, मैं मंदिर इसलिए नहीं जाता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ अगर कोई लेके जाता है तो मैं जाता हूँ, कोई टीका लगाए तो लगवा, किसी घर के ट्रेडिशन होते हैं तो उनके घर के ट्रेडिशन मैं फॉलो करता हूँ। किसी घर में आप घुसो साउथ में जाओ स्पेशली, तो आप चप्पल बाहर उतारते हो, बाहर उतार के अंदर घुसता हूँ, तो मेरी आदत है, मैं हायर की हुई टैक्सी में भी अगर सिगरेट पीता हूँ तो ड्राइवर से पूछता हूँ आपकी गाड़ी में सिगरेट पी सकता हूँ शीशा नीचे करके। सी हम लोग ऐसे बड़े हुए हैं टू रेस्पेक्ट अदर पीपल्स ट्रेडिशन, कोई श्रद्धा के साथ मुझे मिठाई खिलाता है तो मैं ऐसा करके खाता हूँ, उसकी श्रद्धा है उसका फेथ है, मैं उस पर आर्ग्यूमेंट नहीं करता, मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, मैं इम्पोज नहीं करता अपने आप को किसी के ऊपर, करेक्ट। एट द सेम टाइम बनारस में पढ़ा हुआ, घाट पे बैठ के पढ़ा हुआ, वहाँ की जो शांति है वो मुझे अच्छी लगती है, वहाँ का जो धंधा है वो मुझे नहीं अच्छा लगता। सो ये सब चीज़ें देख के पढ़ा हुआ, मेरे चारों तरफ सब लोग ऐसे हैं, तो उन सब डिफरेंसेस के साथ हम रह सकते थे यार, बड़े हुए हैं ऐसे। मैं दुनिया भर में घूम के हर तरह का मीट खाया हूँ, ऐसे ऐसे जानवर खाए हूँ जो लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए कि टेस्ट कैसा करता है फिर रिजेक्ट कर चुका हूँ, मैं ऐसा रहा हूँ, मेरी लाइफ ऐसी रही है। सो आज बड़ा मुश्किल है। ऑडियंस से क्या उम्मीद करते हैं आप जब फिल्म में आप एक्टिंग कर रहे होते हैं, फिल्म की स्क्रिप्ट आ जाती है देखते हैं? यार ऑडियंस हमसे उम्मीद करती है, हम क्यों ऑडियंस से उम्मीद करेंगे, मैं एक्चुअली कुछ उम्मीद नहीं करता, मतलब आर्ट मैं अगर ऑडियंस मुझे जैसे वो ऑडियंस का सिलेक्शन भी ना कि मेरा ना ये ऑडियंस ऐसे कर देंगे, मेरी ये वाली ऑडियंस पसंद करेगी, मुझे ये वाली बातें नहीं समझ में आती, मतलब आई एम श्योर लोगों के लिए वर्क करती होगी, मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगा, ये किरदार है मुझे ये कहानी कहनी है, आप रिसीव कैसे करेंगे इट इज़ एब्सोल्युटली ऑन यू, आपको अच्छा लगा, अगर आपको नहीं पसंद आएगा तो हमारी लड़ाई थोड़ी हो गई इस बात पर। हम अपनी ऑडियंस से कुछ उम्मीद करते हैं कि इस खबर को हम दिखाएंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेगी या ये क्यों नहीं देख रहे हैं वो, तो वैसी आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती जब आप पर्दे पर अपने किरदार को निभा रहे हो? नहीं मुझे बिल्कुल नहीं रहती यार, देखिए जैसे ना मैं वो सिनेमा को लेके भी मेरे दिमाग में कई बार ये वाला आता है ऐसे वो जो एक डिबेट बिना बात की चलती रहती है, तो मैं उसमें बिलीव नहीं करता कि कमर्शियल सिनेमा और आर्ट हाउस सिनेमा, आई थिंक आर्ट हर उसमें सिनेमा है तो वो कोई मतलब नहीं, एंड प्लस ना ऑडियंस को रिस्पॉन्सिबल उस तरह से ठहराना, मतलब ये
जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, मैं ये टर्म बल्कि इस्तेमाल करूँगा, वो लोग जो एक वाला चलते हैं ना, अरे यार ऑडियंस को ना ये पसंद नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं, ऑडियंस को सब पसंद आता है, आप अच्छे से बनाओ। वहीं पे आप अगर, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ ना, एक रिक्शे वाला, साइकिल रिक्शा खींचने वाला एक आदमी, सारा दिन उसने रिक्शा खींचा है, वो रात में थक हार के चार लॉन्डनों से मारा, कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए, ह्यूमिलिएशन सारा दिन बर्दाश्त करते हुए शाम में वो आया, उसने एक अपना पौवा खरीदा, किसी तरह से वो पिया, अब उसे रिलैक्स करने के लिए वो मान लो एक फिल्म देखने के लिए अंदर घुस रहा है। भाई किसी और का दुख वो नहीं देखेगा, डोंट ब्लेम हिम फॉर दिस, कह रहे यार तूने आके ये दुख वाली फिल्म क्यों नहीं देखी, नहीं देखना चाहता वो, अभी सेलिब्रेट करना चाहता है, किसी तरह कुछ एक होपफुल चीज देखना चाहता है। तो ऑडियंस को रिस्पॉन्सिबल ठहराना ना, मेरा मानना है वो बड़ी एरोगेंट बात है, दिल वॉच इट। हर आदमी खुद की एस्पिरेशन का विक्टिम होता है और कुछ नहीं। आप फिल्म बनाना चाहते हो, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन आप फिल्म नहीं बनाना चाहते, फिल्म बनाना भी चाहते हो, अपनी मर्जी से ही बनाना चाहते हो, दूसरी फिल्मों को नीचा भी देखते हो, और फिर आपको बाहुबली का रिकॉर्ड भी तोड़ना है, हाँ, और आपको सब कुछ चाहिए, तो एंड में सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड आदमी कौन होगा? आप ही होगे। सी आदमी अपनी एस्पिरेशंस का खुद का विक्टिम होता है। आपका अगर वहीं तक सीमित है, मुझे एक फिल्म बनानी है और फिल्म बन गई तो खुश हो जाओ, लेकिन अब फिर आप होता है कि ये फिल्म हिट भी हो, फिर सारे रिव्यूज़ भी अच्छे आए, सबको अच्छी भी लगे, मुझे अवार्ड भी मिल जाए, मुझे बॉक्स ऑफिस भी मिल जाए, मेरी ज़िंदगी बदल जाए, हर चीज़ तो आप चिपका देते हो उसके साथ, तो आप एक से शुरू हुए थे ना, एक पे रहो ना। जी आपने बड़े घर की बेटी सीरियल में एक कंजर्वेटिव रोल निभाया था, और आज आप ऐसे मूवी में काम कर रहे हैं जिसमें ट्रांसजेंडर की भी बात की जा रही है, तो लिबरल सिनेमा को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या बताना चाहेंगे कि सिनेमा कैसे इवॉल्व हुआ है ओवर द टाइम? ये देखिए, जो आपने एग्जांपल्स लिए, अगर मैं उससे बात करूं तो बड़े घर की बेटी जो है प्रेमचंद की कहानी, वो एक बहुत प्रोग्रेसिव कहानी है। उसके अंदर मेरा किरदार जो है नेगेटिव था, जैसे मैं हमेशा वो बोलता हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि अरे आप क्या ऐसे ही किरदार करेंगे, हम अभी वही तीन दिन से बात कर रहे हैं कि मैं थक गया हूँ एक राइचियस शरीफ आदमी जो खड़ा होकर लड़ाई करता है, ऐसे किरदार करते करते मैं बोर हो गया हूँ। अब मुझे नेगेटिव किरदार करने में बहुत मजा आएगा, मुझे कुछ आप अलग दीजिए, कुछ अलग तरह का रोमांस। मेरा बायोपिक इसको करना चाहिए। साइंड हो गया, साइंड तुम्हें जवाब मिल गया। बिना स्क्रिप्ट के मैं आप बोल रहा हूँ। हो गया, तो आई थिंक वो एक अलग चीज होती है, वो भी एक प्रोग्रेसिव थी। आई थिंक यार एक आर्ट किसी भी सोसाइटी की तरह है, इट इवॉल्व्स हर, और वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो कभी रुकेगा नहीं, इवॉल्व हुई है। आई थिंक आप देखेंगे स्किल वाइज, आप फिर भी मैं कह रहा हूँ कि एकदम से कई बार एकदम से बूम आता है कि कोई नया टेक्नोलॉजी आ जाती है तो एकदम से बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। पर मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, शायद उससे ये बात पूरी हो जाए। एक कन्हैयालाल जी, आप जानते हो, एक बहुत कमाल के थिएटर पर्सनैलिटी कन्हैयालाल, कन्हैयालाल एक्टर फिल्म वाले ने, वो मैं उनका एक सेमिनार में सुन रहा था, तो वो जैसे मैं ये स्किल वाली बात को रखते हुए, उनसे किसी ने पूछा कि यार आपको बजट नहीं मिलता अपनी अपना प्ले बनाने का, लोग जो हैं वो आजकल 1-1 करोड़ रुपए में प्ले बना रहे हैं, आपको कई बार 3,000 रुपए में बनाना पड़ता है। उन्होंने बहुत खूबसूरत बात बोली, वो बोले आप मुझे 2,000 रुपए दीजिए एक नाटक बनाने के लिए, आप मुझे 2 करोड़ रुपए दीजिए एक नाटक बनाने के लिए, आप 2,000 देंगे वो आपको स्टेज पे दिख जाएगा कि इस आदमी ने 2,000 रुपए में नाटक बनाया, आप 2 करोड़ देंगे वो आपको स्टेज पे दिख जाएगा इस आदमी ने 2 करोड़ रुपए में नाटक बनाया। पर इन दोनों बातों का मेरे काम की क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे जो बात कहनी है वो मैं बात 2,000 रुपए में भी कह सकता हूँ, वो बात मैं 2 करोड़ रुपए में भी कह सकता हूँ। आई थिंक तो वो बदल रहा है। मैं एज एक्टर जो है, हम अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, एंड हाँ मतलब मोटे तौर पर यही है। बट आई थिंक लिबरल सिनेमा हैज ऑलवेज एग्जिस्टेड इन आवर, हमेशा से रहा है वो, बीच में ऊपर नीचे होता रहा है। बट मैं पढ़ रहा था उनकी, बलराज सहनी साहब की जो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, 2 बीघा जमीन के लिए कोई फाइनेंसर रेडी नहीं था। वो बहुत सारी कहानी है, प्रोडक्शन में कॉस्ट कटिंग करनी पड़ जाती होगी, बस यही है। नहीं प्रोडक्शन में कॉस्ट कटिंग नहीं होता, मुफ्तखोरी में फिल्म बनती है। लेकिन वो नहीं, देखो हर चीज़ इवॉल्व होती है, हर चीज़ डाइग्रेस होती है और डीकंस्ट्रक्ट होती है ना। अब आप इसको इवोल्यूशन बोलोगे, जहाँ पे हमें आज की डेट में हम कहाँ हैं, क्या हम इवॉल्व हुए हैं? हमारे पास कंप्यूटर है, इंटरनेट है, हम AI की तरफ जा रहे हैं, हम इवॉल्व हुए हैं। बाहर जा के देखो कितनी गर्मी है, पोल्यूशन है, ख़त्म हो रहा है सब कुछ, ट्रैफिक इतना है कि आप चल नहीं सकते। पहले तो पैदल चल के ज़्यादा फास्ट पहुंच जाते थे,
हम लोग साइकिल चला के हंसराज हॉस्टल से चरणकिया पिक्चर देखने जाते थे। कंगना आवाज आ रही कहीं से? मैं बोल रहा हूं अनुराग कश्यप जीशान में बैठे कंगना की आवाज आ रही है मुझे। कहां से आ रही है? आप लोग बता ही दीजिए आपका कंगना के साथ एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा जी कह रहे एक्सपीरियंस तो हम दोनों के ही है। उसके साथ एक्टर रहे और उसके डायरेक्शन में काम किया है। नहीं देखिए मतलब सारी मजाहिया बातें हैं और माहौल जो है वो अपनी जगह, पर आई थिंक वो खासतौर पे एक वक्त कंगना का आई थिंक परफॉर्मेंस एज एन एक्टर आई थिंक ग्रेट टाइम। कोई सानी नहीं है, मतलब उससे पहले क्वीन हुई थी और कन्वर्ट्स मनु रिटर्न्स फाइनेस्ट एक्टर्स, बहुत ज्यादा अच्छी है और काम को लेके बहुत ज्यादा सिंसियर है। बाकी जो प्रॉब्लम्स है उसके साथ वो है, वो दिक्कत है, लेकिन उसका टैलेंट आप उससे छीन नहीं सकते। उसके अंदर जो है एज एन एक्टर एज अ सिंसियर क्रिएटिव पर्सन ऑल्सो वो सिंसियरिटी है, वो छीन नहीं सकते। बाकी हाँ बहुत मुश्किल है डील करना। ये बताइए कि जब मतलब आप लोग के लिए जब आप एक पॉपुलर फेस हो जाते हैं तो उसके बाद कितना क्या क्या डिफिकल्टीज कैसी आती है, मतलब नॉर्मल लाइफ कितनी बदल जाती है? सब आप बड़े कुछ नहीं, मैं एक इंटरव्यू देता हूँ 20 दिन तक कॉन्ट्रोवर्सी होती है। हर चीज़ को क्लिकबेट बन जाती है, अलग अलग हेडलाइन बन जाती है, जहाँ जाओ वो प्राइवेसी तो बुरी तरह इफेक्ट हो जाती है। तो वही है, इंडिया से बाहर भाग जाता हूँ तो वहाँ सेफ फील करता हूँ, मैं सड़क पे चलता हूँ, नॉर्मल चीज़ें करता हूँ, लिखता हूँ, नॉर्मल लाइफ जीता हूँ। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ तो सिर्फ अपने घर के आसपास के इलाके में ठीक रह सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं यारी रोड से निकलता हूँ मुश्किल हो जाता है। तो है वो मुश्किल तो है। आई थिंक ये तो होता ही है, आपकी एक प्राइवेसी जो है वो इंक्लूड होती है, पर मेरा मानना है कि ये तो जब हम आए थे इस जॉब में हमें पता ही था कि ये होने वाला है, तो अब जैसे आदत हो गई है अब ख़राब नहीं लगता मुझे। पता था कि फेमस होंगे? एक्चुअली यार मैंने ना ये कभी नहीं सोचा, ऐसे अभी भी जो कई लोग ये वाला भी करते हैं कि अरे ऐसा ड्रीम कम ट्रू लगा होगा जब आपने शाहरुख खान के साथ काम किया या किसके साथ ऐसा आपको नहीं। मुझे लगता है हमें भी वो करना चाहिए, जो एलन मस्क ने अगर ब्लू टिक को भी मोनेटाइज कर दिया है, हमको सेल्फी को भी मोनेटाइज करना चाहिए, है ना। हाँ सेल्फी और एक टैग लेकर घूमना चाहिए, टी शर्ट बनाऊंगा पीछे लेगा पर सेल्फी। तो एक माथे पे QR कोड लगवा लेते हैं वो लेते में ही स्कैन करके QR कोड और सेल्फी डाल करके ऐसा डाल दे, मतलब ऐसे ही करना फॉर अ सेल्फी पीछे QR कोड। अच्छा अक्षत मुझे अभी मेरी आदिल हुसैन जी आए थे हमारे पॉडकास्ट शो में हमारे, तो उन्होंने बताया कि आजकल जो डायरेक्टर्स हैं प्रोड्यूसर्स हैं अभी किसी का उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने मना कर दिया जस्ट बिकॉज कि सोशल मीडिया पे फॉलोवर्स नहीं थे किसी एक्टर के। ये सच एक्टर। बात है। तो उन्होंने कहा कि यार ये ठीक नहीं है। तो हो रहा है। ये मतलब क्या आप तक अभी तक कोई ऐसी कोई कहानी पहुंची कुछ? नहीं पता तो रहता है ये सब हो रहा है, तो ऑब्वियसली मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि जो अच्छे एक्टर्स हैं उतने इतने साल थिएटर करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम एंड देन दे फाइनली गेट अ चांस, तो उसको मतलब हम बिल्कुल ख़त्म करके आप सिर्फ इसलिए किसी को उठा रहे हो कि वो इंस्टाग्राम पे फेमस है, और इंस्टाग्राम का फेमस भी कैसा है आपको मालूम है, सब टेम्प्ररी है। सो आई थिंक मैं तो उल्टा करूंगा कि अगर आप 1000 फॉलोवर, हाँ मतलब मैं उल्टा करूंगा कि अगर 20 रुपए में 1000 फॉलोवर मिलते हैं, मैसेज आते रहते हैं सर, खूब मीडिया में भी खूब है। जैसे मान लो मैं आपको अप्रोच करूँ इंस्टाग्राम पे कि मैं आपको इंटरव्यू करना चाहता हूँ, खरीदे होते हैं। एक मुझे वो भी स्ट्रैटेजी भी समझा रहा था, एक बोला कि सर अभी आपका ये स्कूप रिलीज हुआ है सर, हर आदमी आपके बारे में बात कर रहा है, फलाना ढमका ना, इस टाइम पे ना हम बहुत ऑर्गेनिक तौर पे रोज के 10,000 और 15,000 करते हुए विद इन अ मंथ हम आपके फॉलोअर्स ले जाएंगे 1,000,000 तक। मैंने कहा भाई मुझे नहीं कर, मुझे माफ़ कर दे सर, हम आपको डिस्काउंट भी दे रहे हैं, इतने पैसे में हो जाएगा ये। वो पूरी तरह से दुकानदारी चल रही है, वो करोल बाग पे नहीं होता था कूलर रखवा दे डिक्की में, हम पैसे की बात ही नहीं कर रहे साहब आपसे, अरे आप ले जाओ अच्छा ना लगे तो वापस कर देना, क्या हो गया। अरे दुनिया चेंज हो गई है, बदल गई। हाँ मतलब यही ये कि मतलब जो पॉपुलैरिटी फेम था वो उसका क्या मायना बदल रहा है, लाइक पहले लोग बहुत कमाते थे अभी जैसे ना लोग फेमस होना चाहते थे, बहुत कम लोग हैं जो करना चाहते हैं कुछ, 90% लोग सिर्फ फेमस होना चाहते हैं। देश में कैमरे पे आने का शौक है ना हमारे, आप इंटरव्यू में देखा करो ना जब न्यूज़ किसी आदमी का इंटरव्यू होता पीछे जो लोग खड़े होते हैं वो कैसे कैसे फेम का मायना बदल गया है। नहीं फेम का मायना वही है, लोग फेमस होना चाहते हैं, उनको जरिया मिल गया है। वो जो एंडी वॉरहल ने कहा था ना, एवरीबॉडी विल हैव देयर 15 मिनट्स ऑफ फेम, वो टाइम आ गया है।
अच्छा, ये जो रील कल्चर है इंस्टा पर, जिससे लोगों का अटेंशन स्पैन एक मिनट भी नहीं रह गया है, आपको ऐसा नहीं लगता कि सिनेमा को अब लोग टॉलरेट नहीं कर पाएंगे? ऐसा मत बोलो, रील्स देखते हैं आप? इसमें मेरा भी एक सवाल है। मैं जब बोर होता हूं तो मैं सिर्फ फूड की रील्स देखता रहता हूं। ये खाना, ये कहां बनता है मोमो, ये कहां बनता है चिकन। हाँ, मैं रील भी देखता हूं तो डेढ़ घंटे तक देखता हूं खाने की रील। एक सवाल इधर से, शुड देयर बी अ डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्टिस्ट एज अ पर्सन and his or her art, because we are seeing cancel culture. हाँ तो है, अभी दुनिया में लोग cancel होने लग गए, धड़ धड़ cancel होते हैं। ये should be would be मेरे को समझ नहीं आता। I think everything is a consequence of who we are. अभी जो भी है उससे सबको deal करना है। मुझे भी समझ में नहीं आता कैसे दो सेकंड में आपने कोई बात बोली, अपना opinion रखा और cancel हो गया। मुझे समझ में नहीं आता क्यों लोग बोलते हैं कि आपके अंदर हिम्मत कहाँ से आती है सच बोलने की। सच बोलना तो ऑर्गेनिक होना चाहिए ना, वो इतना ऑर्गेनिक होना चाहिए जैसे हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, वैसे ही सच बोलते हैं। हम लोग को इतनी आदत हो गई है झूठ बोलने की कि सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। तो आई एम सेइंग दैट अभी जो भी हो रहा वो होगा, ऐसा थोड़ी ना कि दुनिया में कभी सब कुछ सही था, कोई टाइम नहीं था जब सब कुछ सही था। करेक्ट, तो होगा, अभी उससे डील करो। अभी प्रॉब्लम यह है कि डील करने के लिए हम इक्विप्ड नहीं है। जो आज की जनरेशन है वो डील करने के लिए इक्विप नहीं है, बिकॉज वो सोशल मीडिया पे इतना टाइम स्पेंड किए है, वो लाइफ में अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहती, वो डील नहीं करना चाहती, चीज़ों को फेस नहीं करना चाहती। हम लोग तो ऐसे, हम लोग के टाइम में तो मेंटल हेल्थ पे ये बोला जाता था कि दो मिनट दो घंटे जाके बाहर खेल के और ठीक हो जाएगा सब। डिप्रेशन, डिप्रेशन तो वर्ड ही नहीं एग्जिस्ट करता था, मूड ऑफ है। अनुराग सर, आई एम फ्रॉम द सेम कॉलेज एज यू हंसराज, और मैंने आपके बारे में वहाँ पे बहुत किस्से सुने हैं। मेरे बारे में क्या किस्से? हमारे एक प्रोफेसर होते थे संजय कुमार, वो आपके बारे में, एसआरके के बारे में बहुत कहानियाँ सुनाते थे। उन्होंने देवडी में कल्कि के फादर का रोल किया था। तो आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि आपके टाइम पर हंसराज और नॉर्थ कैंपस कैसा हुआ करता था? मेरा तो बहुत अच्छा था, उसमें बहुत अच्छा था, मतलब इट वाज, देयर वाज अ लॉट ऑफ फ्रीडम। अभी हंसराज में गया तो वहाँ पे गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू गो इन टू द हॉस्टल, बड़े बड़े कुछ आयरन रॉड्स लगा दिए हैं। लेकिन हाँ, संजय कुमार थे, मैं उनके लिए बैक स्टेज करता था, और बहुत ज़्यादा, मतलब कॉलेज वॉज अ ग्रेट टाइम, सो मच लर्निंग। हम लोग हॉकी खेलते थे, अभी तो हॉकी पे उन्होंने कुछ पता नहीं क्या कुछ और बना दिया है, बास्केटबॉल कोर्ट, हॉकी फील्ड ही नहीं है। मैं हॉकी टीम में था, हम लोग बहुत कुछ करते थे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं, अभी बहुत रिस्ट्रिक्टेड सा एटमॉस्फेयर हुई है वहाँ पे। मैंने सुना अभी हंसराज कॉलेज में वो भी एक नया डिपार्टमेंट खुला है अबाउट काउज एंड गोबर साइंस, गोबर पे क्या रिसर्च करते हैं उस पर भी 3 साल का कोर्स है। सर नमस्ते, मुझे भी एक सवाल पूछना है। हड्डी फिल्म ट्रांसजेंडर की बात करती है, आपको क्या लगता है कि हमारी सोसाइटी में ट्रांस कम्युनिटी को लेकर कितनी एक्सेप्टेंस अभी है? एक एक्सटेंडेड सवाल इसी में और है कि ट्रांस का किरदार निभाने के लिए नवाज को क्यों लिया, कोई ट्रांस कैरेक्टर की तरफ आप क्यों नहीं गए? तो मैं 3 चीज़ें बोलूँगा। पहली तो ये इशू बेस्ड फिल्म नहीं है, इसमें कोई इशू टैकल नहीं कर रहा हूँ इसमें। हाँ, मेरा कैरेक्टर जो है वो एक किन्नर समाज से है, लेकिन जो उस कैरेक्टर के साथ हुआ है वो शायद मेरे और आपके साथ भी हो सकता है, और शायद हम लोग भी उतने ड्रामेटिक तरीके से नहीं बट वैसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे जैसे मेरे कैरेक्टर ने करा। सो आई थिंक इट वॉज मोर अबाउट अ कैरेक्टर एंड हिज जर्नी दैन कोई एक सोशल इशू जो सोसाइटी का कमर्शियल मसाला पिक्चर। हाँ, एंटरटेनिंग आई थिंक, इससे ज्यादा नॉर्मलाइज आप क्या करोगे इन दैट वर्ल्ड का। एक सलमान खान है, एक अमरीश पुरी है और एक मदन जैन है। दूसरा जो आप कह रहे हो सोसाइटी के लिए, सी ऑल सेड एंड डन, मैं सबके लिए नहीं बोल सकता, राइट? क्योंकि मैंने दोनों तरीके से देखा है। मैंने ये भी देखा है कि उनको वैल्यू भी बहुत करा जाता है, उनको रिस्पेक्ट भी दिया जाता है। मैंने ये भी देखा है कि उनको सही से ट्रीट नहीं किया जाता, उनके लिए एक सिस्टम नहीं है जिसमें वो अच्छे तरीके से एक्सेप्ट हों। तो जहाँ एक तरफ रिस्पेक्ट था वहाँ एक्सेप्टेंस नहीं थी, डर था, तो वो सब चीज़ें भी है। तो आई कांट टॉक अबाउट देम, बट पर्सनली मैंने बहुत सीखा है।
उनका जो फियरलेसनेस है, उनका जो जो उनकी जर्नी रही है, मतलब उन लोगों ने जो जो देखा है, और ये किस्सा भी हुआ था हमारे सेट पे कि समथिंग हैपेंड एंड वन ऑफ माय एसोसिएट्स ने ऐसी मस्ती में पूछा कि क्या वो अम्मा डर गई, तो अम्मा बोली कि बेटा मैंने जो जो देखा है वो तूने कैमरे से भी नहीं देखा होगा, तो मैं क्या ही डरूंगी, विच इज अ फैक्ट। सर 2021 में आप पे आईटी रेड हुई थी एंड उसके बाद आप ट्विटर से हट गए एंड कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, व्हाई इज दैट? सब चल रहा है, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, आ जाओ लड़ लो। केसेस खत्म नहीं होते। सो लास्ट में आप बस एक एक्टिविटी छोटी सी करना चाहते हैं, उसके बाद आपके मैनेजर्स बोल रहे हैं कि एंड किया जाए। सो डम शरैड्स शराड्स जो भी होता है, इट्स डम शरैड्स। टीम हड्डी वर्सेस ऑडियंस, ये जो ग्रामर नाज़ीज़ होते हैं ना, सबसे बड़े प्रॉब्लम होते हैं। सो ये शराड्स बोलेंगे, इसमें कुछ फिल्मों के नाम है, आप उठा करके ऐड करिए और देखते हैं कि ऑडियंस समझ पाती है नहीं। क्या करना मतलब? नाम से आपको गेस करवाना है ऑडियंस को, नाम फिल्म का लिखा हुआ है, आपको गेस करवाना है कि ये लोग गेस कर रहे हैं। अक्षत सर, आपसे इंस्पायर होंगे ना, तुम शुरू करो सबसे पहले। हां चलो, यू कांट रीड, यू कैन रीड, या दे कांट, चलो वहां खड़े होकर करो। सो हाउ विल यू कैप्चर? हां बैठे बैठे करो करो, इनकी फिल्म है, बात ही खत्म। अभी अभी आइए, इनकी कश्यप साहब, मैं नहीं आइए कि नहीं आइए, आ गई है। ओ डीजे डीजे प्यार मोहब्बत क्या यार, मैं नाम भूल गया यार, मैं देखना चाहता हूँ, नाम बोलो ना। उससे पहले वो नोट वाली, नोटबंदी वाली नहीं, उससे जस्ट पहले कौन सी फिल्म आई है आपकी? मन मर्जियां तो बहुत पहले आई है, मतलब अभी कंपेयर टू ब्लैक फ्राइडे एंड ऑल, तो अभी की हुई ना। मतलब विशांत आपका टर्न। नहीं नहीं पहले बड़े लोग, मैं आखिर में सस्ते में आ जाइए, निकल जाऊंगा, निकल पर्चा उठाइए साहब, देखनी है ना, एक्टिंग करनी है आपको। फिल्म संजीव एक ग्लास पानी, इधर इधर इधर, आप इनकी फिल्म है नहीं क्या? अगली वाह, ब्रिलियंट साहब, ब्रिलियंट, देखो कितने अच्छे एक्टर हैं बिना उठे। हाँ मतलब आप कहते हैं कि अच्छे एक्टर हैं, यहाँ पे नहीं होगा। अरे यार दिखा, अरे क्या दिखाऊं इसमें, बंदूक से सोल्जर, पूरी पूरी सोल्जर सैनिक, लाइक इट्स अ सोल्जर मूवी, कमांडो और द लास्ट में बस मुझे ये बता दीजिए, कांस होता है, कैंस होता है, क्या होता है, और कैनेडी के बारे में बता, ये उनको पता होगा। वो बोला अब मैं खेल ही नहीं रहा, मैं कान फिल्म फेस्टिवल बोलता हूँ, लोग कैंस बोलते हैं, अब कैन बोलो तो लोग कान बोलते, जो चाहे बोले, फिल्म फेस्टिवल है। कैनेडी का बता दीजिए, कैनेडी का क्या बताऊँ, कैसा रहा? अमेरिका का प्रेसिडेंट था, बहुत बुरी मौत हुई थी उसकी, आज तक नहीं मालूम किसने मारा, क्यों मारा। स्टैंडिंग ओवेशन मिलती, कैसा लगता है वहां पे? कुछ नहीं पता चलता। अरे आपका एक्सप्रेशन देखा था मैंने, आप तो एक्सप्रेशन सुन था, हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, इतनी ज्यादा पसंद आ गई, फिर सेल्फ पे, खुद पे डाउट करो कि लोगों पे डाउट करो, मतलब वो नहीं समझ में आता, ताली बज रही है, चलो हाथ जोड़ लिया, अभी क्या करूं, हाथ थक गया, ये कर लिया अभी क्या करूंगा मैं, जो बोलो कर दूं। कैनेडी मूवी बनाने के बाद बहुत खुश हुआ मैं। आपने रशियन लिटरेचर के बारे में एक इंटरव्यू में बात की थी, आप कोई बुक सजेस्ट कर सकते हैं? मेरी दो बने और बहुत सारी हैं, क्राइम एंड पनिशमेंट, नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, कामू की आउटसाइडर, डैशल हैमिट का रेड हार्वेस्ट, बहुत सारी किताबें हैं, लो लाइफ, लुक सांते का, बहुत सारे किताबों को एंडलेस है। तो अब जान ले लेंगे मैनेजर इनके। सो विकी कौशल वाज एन असिस्टेंट डायरेक्टर विद यू वंस, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद हिम? ऑलवेज सिंसियर, वैसे ही है, वैसा का वैसा, ही इज द सेम सिंसियर बॉय, मतलब बहुत ही सिंसियर, ऑलवेज हार्ड वर्किंग, वेरी हार्ड वर्किंग। हाँ बट वही था, हम लोग मतलब शूटिंग के बीच में एंटरटेनमेंट के लिए विक्की डांस करके दिखा,
अब जो उसको पैसे देते हैं डांस करने के लिए। हाँ बढ़ा है वो बहुत बहुत है। अभी तो उसका पोटेंशियल किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया है, उसको किसी ने प्रॉपर एक्शन नहीं करा है, उससे अच्छा एक्शन वाला कोई नहीं है। श्याम कौशल का बेटा है वो, बचपन से एक्शन कर रहा है। So imagine there's an alien invasion that happens, okay? So these aliens have come to Earth and they're like, tell us three movies to watch that are the greatest movies of all times. What's your list? Aliens already है, तो पता नहीं चलता, इतने normal दिखते हैं, आप रोज देखते हो उनको। शायद वो फिल्में बना रहे हैं। फर्स्ट मूवी टू वॉच मैं बोलूँगा पहले वो देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज लव देखो, मैं एलियंस की बात कर रहा हूँ। हाँ डॉक्टर स्ट्रेंज लव देखो, उसके बाद एलियंस बोलूँगा। इंडिपेंडेंस डे देखो, हाँ तुम आओगे हम तुम्हें कैसे मार देंगे। और तीसरा मार्स अटैक्स। क्या बात कर रहे हैं। तू क्या एज का था जब देखी थी तूने? Then is that's why it was creepy to you. I'll watch it again. अभी दोबारा देख। I think शोले देखो। मैं अपनी फेवरेट बता रहा हूँ। कोई इसमें एजेंडा नहीं है। एलियन को भगाना है डरा के। अरे नहीं है, बस फिल्म दिखानी है। एलियन साथ बैठा के फिल्में दिखानी है। इंक्लूसिविटी है। अपना अपना एलियन सोच लीजिए किस टाइप का होगा, उस हिसाब से बता दीजिए। मैं ये एग्जैक्टली एलियंस तो ह्यूमन फॉर्म में बैठे हुए हैं। आई विल टेल यू द थ्री मूवीज व्हिच गॉट मी इंटरेस्टेड इनटू फिल्म्स वाज ब्राजील, फियर एंड लोथिंग इन लास वेगास एंड नो स्मोकिंग। वैसे तो देखिए बहुत मुश्किल सवाल है, पर फिर भी कोशिश करते हैं। आई थिंक सबसे पहले मैं बोलूँगा प्यासा, दैट इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट, बहुत ज़्यादा ही पसंद है। ये अपनी देखो उसका मैं नाम भूल गया, अरे वो ब्राज़ील वाली गॉड सिटी ऑफ गॉड्स वो मैं पक्का बोलूँगा। और अभी ये ऊपर से सोच के ये पैरासाइट नौ तो मिल गए उन्हें फिल्म। ओ भाई ये मोहम्मद ईशान आयु, अक्षत अजय शर्मा, मैं हूँ अनुराग। हमारी फिल्म आ रही हड्डी 7 तारीख को जी पे। दैट्स द जिस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वन।